राधे राधे एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे भी। तो गाइस मे भी आप लोगों ने पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे, जो भी बातें मैंने पिछले वीडियोस में बताई है, होप कि आप लोगों ने सारे वीडियोस देख के सारी बातों को समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। बहुत सारे लोगों के अभी भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी और यहाँ यूट्यूब वीडियो पर भी कमेंट, कि जुलाई में जब ये सब चीज़ें हुई थी तो जुलाई से लेके जनवरी तक तो वहाँ पे कैसे थी, मतलब क्या क्या चीज़ें और आगे हुई थी, कैसे रवि ने इतना कुछ बर्दाश्त की। तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी आप लोगों को पता चलने वाली है। चीज़ें सिर्फ वहीं पर ख़त्म नहीं हो चुकी थी, अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। काश की चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो गई होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। बताया था मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कि मेरे पापा और भैया मेरे ससुराल गए थे, जो भी बातें हुई थी मेरे ससुराल वालों के द्वारा और मेरे पति के द्वारा, वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। मेरी जो चंट ननद है, उस घर की मालकिन, मेरे ससुराल की मालकिन, उन्होंने ये वादा दिया था मेरे पापा और भैया से कि आज के बाद ये सब चीज़ें नहीं होगी, आप लोग यानी मुझे घर की नौकरानी को लेके मत जाओ। पापा भैया को भी लगा था, क्योंकि ये जो मेरी मालकिन ननद है, चंड ननद, इनका बात करने का तरीका ऐसा होता है ना कि कोई भी इनके झांसे में आ जाता है, किसी को भी ये मैनिपुलेट कर देती है अपनी बातों से। पापा भैया को भी ऐसा लग रहा था इनकी बातें सुन के कि हाँ शायद चीज़ें अब ठीक होंगी, मतलब कंट्रोल में रहेगी चीज़ें। और पापा भैया को लगा था कि हाँ ठीक है, एक मौका देते हैं, अगर गलती इंसान कर भी दिया है तो एक मौका देते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना रिश्ते इतने जल्दी नहीं तोड़ दिए जाते हैं। पापा भैया मुझसे भी बोले कि ठीक है, अच्छे से रहना, जो भी होगा आगे बताना हम लोग को, हम लोग को जैसे ही कॉल करोगे हम लोग आ जाएंगे। मैंने भी कहा ठीक है। उसके बाद पापा भैया तो चले गए थे। व्लॉग आप लोगों ने शायद देखा होगा, उस व्लॉग का टाइटल है कभी कभी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तूफान आ जाती है। बहुत रोई थी मैं पापा भैया चले गए थे, तो इसलिए नहीं कि पापा भैया चले गए, जो चीज़ें हुई थी ना वो मेरे अंदर मतलब दबते जा रहा, दबते जा रहा, मुझे रोने तक नहीं दिया जा रहा था। मेरे सास ननद का ये कहना कि सब का सब सिर्फ मेरा गलती है, तो जो भी चीज़ें हो रही थी बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को, मेरे अस्तित्व को कुचला जा रहा था। आज की चीज़ें उसी टाइम पे सब कुछ मतलब रुक गई होती, स्टॉप हो गई होती, जो भी चीज़ें हुई थी, चलो मान लिया मैंने मैं पिछले 1.5 साल से अपने मायके में थी, लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ गई हैं, अपनी खुद की बीवी साथ में है, अपनी खुद की बच्ची साथ में है, तो शायद चीज़ें उस टाइम पे रुक जाती तो आज ये सब चीज़ें नहीं हुई होती, आज इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं बैठ के बातें नहीं बता रही होती। पापा भैया तो वहाँ से आ गए, उसके बाद 1-2 दिन तक चीज़ें मतलब ऐसे ही ठीक ठाक चला। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला ना, फिर से दिमाग मतलब एकदम ख़राब, फिर से होश उड़ गए। मतलब एक चीज़ हो इंसान का कि हाँ एक ये गलती किया है तो चलो उस गलती को माफ़ कर दिया जाए, गलतियाँ पे गलतियाँ, गलतियाँ पे गलतियाँ, कांड पे कांड, कांड पे कांड, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और सारे कांड छुपे हुए थे अचानक से एक साथ सबके सब खुलने लगे हैं, सारे राज खुलने लगे हैं। जनाब के जब ये सब काली करतूतें सामने आई थी, इनके पापा यानी मेरे ससुर जी ने ये बोला था कि तुम अब दुकान पर नहीं जाओगे, अब कुछ दिन तक तुम घर पे रहो, अपनी बीवी बच्ची को टाइम दो, शायद चीज़ें ठीक होगी। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे थे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक बात तो जानती हूँ ना कि अभी तक जो चीज़ें हो गई है, अभी मैं भी मायके में हूँ इतने टाइम से, तो अभी आप लोग को आगे की बातें पता चलेंगी, तब आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना कि इस कांड में सिर्फ और सिर्फ जनाब का हाथ नहीं था, पूरे के पूरे फैमिली का हाथ था। उस टाइम पे मेरे ससुर ये बोले जनाब को, अपने बेटे को, कि तुम कुछ टाइम के लिए घर पे रहो, अपनी बीवी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करो, दुकान मत जाओ। जनाब मजबूरन घर पे रहने लगे। जनाब का बिल्कुल भी मन नहीं था घर पे रहने का, क्योंकि पिछले 7 सालों में मैंने देखा है ना कि जब ये कुछ नहीं भी करते थे ना तब भी कभी भी घर पर नहीं रुकते थे, यहाँ तक कि संडे को भी कभी भी ये घर पर नहीं रुकते थे, किसी ना किसी बहाने से घर से गायब हो जाते थे। कभी दोस्त से बात करने जा रहे हैं तो कभी दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो कभी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो कभी कुछ ना कभी कुछ लगा रहता था इनका, मतलब घर पर ये रुकते ही नहीं थे। बट बेचारे को मजबूरन घर पर रुकना पड़ा था, लगभग 2 दिन घर पर रहे होंगे। उसके बाद फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी सामने आ रही थी ना, मतलब फिर अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इंसान की एक गलती हो आप माफ़ कर दो कि हाँ चलो इस इंसान ने एक ही गलती कर दिया, चलो मैं माफ़ कर देती हूँ, नहीं, गलतियाँ पे गलतियाँ, गलतियाँ पे गलतियाँ, कांड पे कांड, कांड पे कांड, और वो भी ऐसे ऐसे कांड ना सुन के आपके होश उड़ जाएंगे।
ये सब चीजें अभी खत्म ही नहीं हुई थी तब तक फिर से एक बात सामने आ गई, फिर से सबका होश उड़ गया। जनाब लगभग 2 दिन घर पर रहे, उसी में फिर से उनकी पोल खुल गई। इस बार पोल ये खुली थी ना कि जनाब ने पूरे के पूरे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। कर्ज, कभी गोल्ड बेच दो तो कभी गोल्ड गिरवी रख दो तो कभी दोस्तों से कर्ज ले लो तो कभी बैंक से लोन ले लो। क्या है ये सब? जब से शादी करके गई हूँ पिछले 7 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ यही सब चीजें देखी हैं। कभी जिम्मेदारी लो, अपनी बीवी बच्चे का खर्चा उठाओ, कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अय्याशी, सिर्फ और सिर्फ कर्ज लेना। और जनाब के माँ बाप, मेरे प्यारे सास ससुर, कभी इस चीज पर रोक नहीं लगाते बल्कि बढ़ावा देते हैं। बेटा अगर प्यार से 100 रुपया मांगेगा ना तो 10 गालियां सुनाएंगे, बेटे को भी और बहू को भी। लेकिन बेटा वही कर्ज ले लिया ना, तुरंत भरने जाएंगे। ये क्या तरीका है? आप अपने बेटे को सुधार रहे हो या फिर बिगाड़ रहे हो? जनाब की ये सच सामने आई कि जनाब ने लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। ये सच कैसे सामने आया ये भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। लगभग 2 दिन घर पर रह गए, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, इतने सारे कॉल आ रहे हैं इनको। मैं नजर रख रही थी, एकदम पूरा का पूरा नजर रख रही थी जनाब पे, किसका कॉल आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं, सब मैं ध्यान रख रही थी। लेकिन फिर भी जनाब कभी छत पे जाके छुप के बात कर रहे हैं, तो कभी गली में छुप के बात कर रहे हैं, तो कभी बाथरूम में छुप के बात कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। जनाब छत पे जाके बात कर रहे थे, मैं गई पीछे से, ये मुझे देखे नहीं थे। मैंने सुन लिया किसी आदमी से पैसे के बारे में बात कर रहे थे कि आज दे दूंगा तो कल दे दूंगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। मैंने आके अपने सास ससुर को बता दिया कि ऐसी ऐसी बातें छत पे जाके ये कर रहे हैं, क्योंकि पता है अगर चीज़ें कुछ भी गड़बड़ होंगी ना तो अपने बेटे को दोष नहीं देंगे ये लोग, सीधा का सीधा पूरा का पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देंगे। जब से मैं उस घर में शादी करके गई हूँ ना, हर चीज़ की दोषी मैं होती हूँ, चाहे घर में एक सुई क्यों ना टूटा हो, हर चीज़ की दोषी मैं हूँ। इनका बेटा कुछ भी बदमाशी करता है, दोषी मैं हूँ। बचपन से अपने बेटे को बिगाड़ के रखे हैं, इतनी गंदी परवरिश दिए हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए दोषी मैं होती हूँ। मैं छत पर से सुन के आई, जाके बता दी इनके माँ बाप को कि ऐसा सा बात कर रहे हैं। जब ये छत पर से बात करके आए, इनको तो पता नहीं था कि मैं जानती हूँ। मैंने इनके माँ बाप को बता दिया कि ये क्या बात कर रहे थे। इनके माँ बाप इनसे पूछे, इनकी वो जो मालकिन बहन है वो भी वहीं पर थी, सब लोग पूछे कि किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। अब जनाब को सच उगलना पड़ा मजबूरन। लेकिन जनाब ने ये नहीं बताया कि मैं 2.5 लाख रुपए कर्ज लिया हूँ। किसी आदमी से 50 हजार लिए हैं, तो किसी से 20 हजार लिए हैं, तो किसी से 10 हजार लिए हैं, मतलब ऐसे कर करके लगभग 10 लोगों से कर्ज लिए हैं, पूरे के पूरे 2.5 लाख, यहाँ तक कि बैंक से भी लिए हुए हैं। जनाब बताया अपने माँ बाप को कि फलाने से इतना लिया हूँ, धमाके से इतना लिया हूँ, लेकिन ये नहीं बताया पूरा पूरा सच कि हाँ मैं 2.5 लाख रुपए कर्ज लिया हूँ, 50 हजार, 1 लाख, ऐसे कर करके बताएं। मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता ना कि पूरी प्रेगनेंसी में बीवी मायके में रही है, 1 रुपया दिए नहीं हो, क्या किए हो इतने सारे पैसों का, इतने सारे जो कर्म कांड कर रहे हो, इतने सारे राज खुल खुल के सामने आ रहे हैं, क्या कर रहे थे, क्या है ये सब। लेकिन इनकी माताश्री जो है, मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी लालची सासू माँ, उनको अभी भी अपने बेटे की एक भी गलती दिखाई नहीं दे रही है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। एक्चुअली परवरिश इतनी गंदी करी है ना, इतनी गंदी परवरिश दी है जिसके वजह से इनको चीजें छुपानी पड़ती है, सारा दोष मेरे ऊपर डालना पड़ता है ताकि इनकी परवरिश पर उंगली ना उठाई जाए। अभी भी अपने बेटे का कोई गलती नहीं मान रही है। अभी ये मुझसे क्या कह रही है, चिल्ला चिल्ला के एकदम लड़ लड़ के, कि सारा का सारा कर्ज जो भी लिया ना सब तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि तुम इतनी फरमाइशी लड़की हो ना, तुम्हारा फरमाइश का पूरा करते करते मेरा बेटा जो है कर्ज में डूब गया है। मैंने बोला ओहो, इतना फरमाइश, कौन सा फरमाइश मेरी पूरी की जाती है? घर में सास ससुर जो हैं एसी में सोते हैं, बेटे बहू पंखा में सोते हैं, सिर्फ और सिर्फ पंखा में, सीलिंग फैन में, और पोती, गर्मी से बेटे बहू पोती सबकी हालत खराब है। देखे थे आप लोग पिछले साल मेरे चेहरे पे कितने सारे घाव फोड़े फुंसी निकले हुए थे गर्मी के मारे, किचन में खाना बना बना के, घर के सारे काम कर करके, और सास ससुर ननद जो है आराम से ऐसे में सो रहे हैं, और मैं फरमाइश से हूँ।
कौन सा फरमाइश मेरा पूरा किया जाता है। पिछले 7 सालों में एक साड़ी अगर मुझे मिली हो, सिर्फ और सिर्फ उस बनारसी साड़ी के अलावा, शादी में भी 3 साड़ी चढ़ाई गई थी। 3, सोचिए किस किस शादी में 3 साड़ी चढ़ाई जाती है, और वो भी थर्ड क्लास की। और मुझे कहती है मेरी सासू माँ कि मैं फरमाइशी हूँ, मेरी इतनी फरमाइशें हैं ना कि इनका बेटा मेरी फरमाइशें पूरी करते करते कर्ज में डूब गया है। वाह रे सासू माँ, बेटी की गलती तो कभी दिखाई ही नहीं देती है, बहू पे सारा का सारा दोष मढ़ देते हैं। अपनी बेटियों के फरमाइश देखे आपने? जो बिन ब्याही बुढ़ी बेटी आपके पास बैठी हुई है, एक की शादी भी किया है आपने, उन लोगों की फरमाइशें देखी है आपने? सारा का सारा आपका जो भी पैसा है, आपके पति का पेंशन जो है, आपकी बेटियों के फरमाइश में ही चला जाता है। बहू को तो 1 रुपया देते नहीं हो आप लोग, पोती को भी खड़े की तरह 100 रुपये का तो 200 रुपये का फ्रॉक खरीदते हैं आप लोग। और फरमाइशें मैं करती हूँ? आपका बेटा लोन ले रहा है, कर्ज ले रहा है, गोल्ड बेच रहा है, गोल्ड गिरवी रख रहा है, दोषी मैं हूँ? अपने बेटे की अय्याशी नहीं दिखती आपको? बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि गंदी परवरिश दी है आपने, और आप अपने परवरिश पे उंगली नहीं उठने देना चाहती हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुझे दोषी ठहराती हैं। लेकिन ये आपकी सरासर गलती है, क्योंकि आपके बेटे ने शादी के बाद ये सब चीज़ें करना शुरू नहीं किया है। आपका बेटा पैदाइशी ही ऐसा है, ये आप ही लोग मुझे बताती हैं कि शादी के पहले भी आपके बेटे ने बहुत सारे कांड किए हैं, वो मैं अपने पब्लिक को बताऊंगी, गाइज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि और क्या क्या किया है जनाब ने, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बहुत सारे कर्म कांड अभी भी इनके छुपे हुए हैं, और इनके घर वालों के भी, मेरे सास ससुर, मेरे नंदों के, सबके कारनामे बताऊंगी आप लोगों को। तो कर्ज के लिए इनके पापा ने, यानी मेरे ससुर ने पूछा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें जो तुम कर्ज लिए? एक तो गोल्ड गिरवी रखे, जो 3 रिंग था वह के शादी में पहने और यहाँ से भाग गए और जाके गोल्ड गिरवी रख दिए। उस गोल्ड रिंग की भी बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब गोल्ड गिरवी रख दिए थे, मुझे तो पता चल ही गया था, मैंने बताया था आप लोगों को पीछे वीडियो में। मैं जब यहाँ से अपने ससुराल गई, मैं इनके पापा से यानी अपने ससुर जी से बोली कि पापा एक काम करो, ये जो गोल्ड गिरवी रखे हैं ना सुनार के पास, वो आप निकलवा लो, आप अपने पैसे दे दो और निकलवा लो, क्योंकि मुझे पता था कि जनाब के पास ना ही कभी इतने पैसे होंगे और ना ही ये जनाब छुड़ा के ले आएंगे। तो मैं अपने ससुर से ये बात बोली, बहुत ही डरते डरते, बोलने नहीं देते थे ये लोग मुझे बिल्कुल भी, और इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपनी बातों को रख पाऊँ, लेकिन उसने बहुत डरते डरते मैं ये बात बोली थी अपने ससुर से, पापा वो गोल्ड जो गिरवी रखा हुआ है ना, वो प्लीज़ आप छुड़ा लो, आप अपने पैसे दे दो और आप अपने पास ही वो गोल्ड रखो, जब ये पैसे देंगे, यानी मेरा पति, जब ये पैसे देंगे ना तो फिर आप वापस करना, अदरवाइज आप अपने पास नहीं रखना। पहले तो मेरी सास ननद को लगा कि ये अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए ऐसा करवा रही है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आप लोग वो रिंग निकाल के, गोल्ड निकाल के मुझे मत देना, अपने पास ही रखना, एटलीस्ट इतना तो होगा ना कि सुनार के पास नहीं जाएगा, वो अपने घर में तो रहेगा एटलीस्ट। ये चीज़ मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ये जनाब जो हैं वो नहीं छुड़ाएंगे तो वो सुनार के पास चला जाएगा, लेकिन अगर घर के लोग छुड़ा के ले आएंगे वो, तो फिर अपने ही घर में रहेगा ना, तो उस चीज़ का संतोष था मुझे कि हाँ चलो ठीक है, अपने घर में रहेगा, अगर ये लोग मुझे नहीं भी देते हैं वापस तो अपने घर में ही रहेगा ना। आज तक वो गोल्ड रिंग जो है तीनों के तीनों मेरे ससुर के पास है, मेरे ससुर छुड़ा के ले आए, अपने पास रखे हैं। बोले जनाब से कि तुम पैसे दे दोगे तो तुमको दे दूंगा मैं, जनाब आज तक पैसे दिए नहीं, बेचारे के पास पैसे हैं ही, वो तो खुद कर्ज में डूबे हुए हैं, कहाँ से लेंगे बेचारे। बाप के पास आज भी वो गोल्ड, तीनों के तीनों गोल्ड रिंग जमा है, ना कभी जनाब के पास पैसा होगा और ना कभी इनके पापा देंगे। तो ठीक है, इतना तो है ना कि हाँ चलो घर में ही है। जनाब के पापा यानी मेरे ससुर ने पूछा कि क्यों लिए थे कर्ज, जनाब पता है क्या जवाब दिए? जनाब बोल रहे हैं मेरा 80,000 रुपया मेरे पॉकेट से गिर गया था, पता नहीं कब, भगवान जानते हैं, मुझे कभी नहीं बताया था, ये पहली बार मैं सुन रही थी कि 80,000 रुपये मेरे पॉकेट से गिर गए थे, बाइक से मैं कहीं जा रहा था, मनी ट्रांसफ़र का काम करते थे ये अपने दुकान में, तो वही बता रहे थे कि मनी ट्रांसफ़र के काम के लिए मैंने 80,000 रुपये लिया था, मैं जा रहा था दूसरे दुकानदार को देने तो रास्ते में गिर गया था, उस 80,000 को पूरा करने के लिए मैं इससे कर्ज लिया, उससे कर्ज लिया, इंटरेस्ट पे, पता 50,000 का इंटरेस्ट कितना भरते जनाब? 15% हर महीने, 50,000 का 15% इंटरेस्ट भरते हैं, और अभी तक ये 93,000 रुपये भर चुके थे जब हम लोग को पता चला था ये कर्ज में डूबे हुए हैं।
93,000 रुपये भर चुके थे 50,000 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट 50,000 का 50,000 अभी भी बना हुआ था। मतलब हर महीने लगभग 7,000 रुपये इनको इंटरेस्ट देना होता था। पता नहीं कहाँ से देते थे, क्या करते थे भगवान जाने। तो इन्होंने मुझे बताया और अपने घर वालों को कि इधर से कर्ज लिया तो उधर दिया, उधर से कर्ज लिया तो उधर दिया, ऐसे करते करते बहुत सारे कर्ज हो चुके हैं। इनके पापा का दिमाग उस टाइम पे ऐसे ठनका कि अब क्या किया जाए। इनके पापा ने कहा कि एक काम करो, तुम दुकान ही बंद कर दो, क्योंकि जनाब बोल रहे थे कि दुकान में लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इधर से उधर कर्ज हो रहा है। इनके पापा ने कहा एक काम करो, दुकान बंद कर दो, क्योंकि सारा का सारा ये जो कर्म कांड हो रहा है ना, दुकान की वजह से ही हो रहा है। दुकान पे ही वो लड़की आती है, दुकान से ही तुम्हारे उस लड़की से दोस्ती हुई है, इतनी सारी चीजें हुई हैं, दुकान से ही तुम्हें कर्ज हो रहा है, तुम दुकान ही बंद कर दो। पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी और ये 1 भी रुपया नहीं देते थे, उस टाइम पे मैं इनसे बोलती थी कि दुकान में कुछ तो फायदा होता होगा ना, 1 भी रुपया नहीं देते हो आप। तो बोलते थे कि 1 भी रुपया मुझे फायदा नहीं होता है, मैं नहीं दे पाऊंगा 1 भी रुपया। तो मैं कई बार इनको बोली भी कि लगभग 3-4 साल से आप दुकान कर रहे हो, कोई फायदा हो नहीं रहा, तो फिर छोड़ दो, बंद कर दो, दूसरा कोई काम करो, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो हम वो काम क्यों करेंगे। इनके दुकान की ये किराया जो है ना, वो लगभग 10,000-11,000 के करीब थी। सोचिए, 10-11 हज़ार रुपये हर महीने आपको किराया देना है दुकान का, कम से कम आप 25-30 हज़ार रुपये कमाओगे तब जाके आप दे पाओगे। आप 1 रुपया कमा नहीं रहे हो, अय्याशी आपका बहुत ज्यादा है, खर्च आपके बहुत ज्यादा है, लड़की घुमाना है आपको, लड़की पालना है आपको, कहाँ से कर पाओगे। जब इनके पापा ये बात बोले कि दुकान बंद कर दो, दुकान बंद करने के नाम पे तो ऐसा लग रहा था ना जैसे मतलब इनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन फिर भी ये अपने पापा के आगे हार मान लेते हैं। मतलब उस घर में सिर्फ एक ही इंसान है, वो है इनके पापा, जिनकी ये सारी बातें मानते हैं। अगर ये मेरे ससुर जी चाहते ना, तो अपने बेटे को सुधार सकते थे। ये जो हमारा रिश्ता खराब हुआ, आज मैं यहाँ पे हूँ, ये सब चीजें नहीं हुई होती, क्योंकि ससुर जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, घर के सारे मेंबर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आदमी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बाप का बात मानता है। तो अगर बाप चाहता तो ये सब चीजें होने से रोक सकता था, लेकिन बाप तो खुद मिला हुआ है, बाप ने अपने बेटे की इतनी गंदी परवरिश दी है। तो जब इनके पापा ये बात बोल दिए कि दुकान बंद कर दो, फिर मजबूरन इनको बोलना पड़ा कि हाँ ठीक है। लेकिन ये बोले पापा से अपने कि लगभग 1.5 लाख रुपए मेरे ऊपर फिलहाल कर्ज है, और जब तक मैं वो 1.5 लाख रुपए भर नहीं देता हूँ ना, तब तक मैं दुकान नहीं बंद कर सकता हूँ। इनके पापा तुरंत बोले एक झटके में मेरे ससुर जी, चलो मैं 1.5 लाख रुपए भर देता हूँ आज का आज, अभी का अभी भर देता हूँ, तो दुकान बंद कर दो। इसलिए नहीं कि बेटे बहू का रिश्ता खराब हो रहा था, ना ना बिल्कुल भी नहीं। बेटा जो इतना सारा कर्ज लेके बैठा था ना, अभी और कर्ज बढ़ते जाते कितना घपाला करता, क्या करता, इस वजह से मेरे ससुर ने कहा कि हाँ ठीक है दुकान बंद कर दो। क्योंकि अगर इनको हमारे रिश्ते की इतनी ही चिंता होती ना, तो मेरे ससुर जी अपने बेटे का जॉब वहाँ रांची से छुड़वा के यहाँ नहीं करवाए होते, लखनऊ में ये मोबाइल का शॉप नहीं करवाए होते, और वो भी पार्टनरशिप में, शेयरिंग में। कोई भी छोटा मोटा दुकान भी 80,000 रुपये में तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, लेकिन 80,000 रुपये में जनाब की दुकान खुलवाई गई अपने स्वार्थ में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बहू यहाँ से ना जाए, हमारे घर की जो फ्री की नौकरानी मिल गई है ये यहाँ से ना जाए। बेटे को बुला लिया गया, नौकरी छुड़वा दी गई, अपने पास रखा गया, उसको निठल्ला निकम्मा बना दिया गया, अय्यास बना दिया गया। वो 1.5 लाख रुपए जाके उसी के उसी दिन जाके भरे ससुर जी। मुझे ये सब देख के ना इतना मतलब अंदर से वो लग रहा था कि बताओ ये क्या चल रहा है, बेटा इतना गलती पे गलती गलती पे गलती कर रहा है, माँ बाप सह दे रहे हैं, माँ बाप एक बार भी उसको रोक नहीं रहे हैं, टोक नहीं रहे हैं, एक बार विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली विरोध कर रही हूँ। बेटा इतना कर्ज लिया है, बाप भरने के लिए तैयार है, एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ तुम ये क्यों कर रहे हो, किस लिए किए हो, बताओ हमें रीजन बताओ। सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि ये सारी के सारी चीजें मेरे वजह से हुई हैं, क्या है ये सब। पूरे के पूरे परिवार जो है ना मिले हुए हैं सब, सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे अस्तित्व को कुचलने के लिए। मम्मी पुकार रही है, आई थिंक बेबी जग गई है, बात नहीं कर पाई ठीक से, उसके लिए सॉरी। आज का ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से अच्छे से बात करूंगी। अभी बहुत सारे राज हैं जो आप लोगों को पता चलने वाले हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं, जुलाई से लेकर जनवरी तक क्या क्या चीज़ें हुई थी, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही नहीं इतना कुछ हो चुका है, और मैंने हर कोशिश करी थी अपने रिश्ते को बचाने की,
आज मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है। टूटता तो टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत सारी बातें बताऊंगी आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।